नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, हम लोग झारखंड के संपूर्ण इतिहास को माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं और केवल 5 पेज में ही इसको हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जो भी माइंड मैप है वो 5 पेज में आपका समा गया है, इसी को हम लोग रिवीजन करेंगे और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। जब ये माइंड मैप बनाया जा रहा था तब 2-3 बातों का हम लोग यहाँ पे ख्याल रखें। सबसे पहला चीज़, जो भी तथ्य उपलब्ध करवाया जाए वो ऑथेंटिक सोर्स से करवाया जाए। इतिहास के संदर्भ में हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन 3 सोर्स जो है उससे ज़्यादातर तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। 2 है बीपी केसरी का लिखा हुआ झारखंड का छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ। दूसरा किताब है झारखंड के इतिहास की कुछ जरूरी बातें, दोनों बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। एक किताब है जो कि इतिहास के संदर्भ में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है बीबी रत्न का, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति। तो जो भी आपको माइंड मैप में जो भी फैक्ट देखने को मिलेंगे वो इन्हीं सब किताबों से देखने को मिलेंगे। दूसरा चीज, माइंड मैप को हम लोग अपडेट रखने का प्रयास किए हैं और जो भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ चुका है, जेएसएससी अभी तक या जेपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछ चुकी है झारखंड के इतिहास से संदर्भ में, उन सभी तथ्यों को यहाँ पे हम लोग सम्मिलित करने का प्रयास किए हैं। और कोई भी मटेरियल का सबसे अच्छा बिंदु होता है कि वो अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपडेट रखिए। आप जो भी नोट्स आप रेफर कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को पढ़िए, लेकिन ध्यान रखिए कि क्या वो अपने आप को क्वेश्चन बैंक से अपडेट कर रहा है। जैसे 2017 का एक एग्जांपल ले लीजिए कि दरोगा में एक प्रश्न पूछा गया था कि वीरू कैसलपुर परगना जो है वो किसका प्राचीन नाम है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे जिसको हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। लास्ट सेकंड क्वेश्चन है हरित कीवाना, ये भी किसका प्राचीन नाम है। ये चीज़ आपको एसआई में ही पूछा गया था। तो अभी आप जो सोर्स पढ़ रहे हैं 2023 में पढ़ रहे हैं, यानी कि ये 6 साल का यहाँ पे गैप है। अगर 6 साल में ये तथ्य को आपके नोट्स में आपके किताब में अपडेट नहीं किया गया है, यानी कि वो पब्लिकेशन या कोचिंग मटेरियल वाला जो है वो क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रख के अपने नोट्स को अपडेट नहीं कर रहा है, तो आपको अगर उनके द्वारा अपडेट नहीं किया जा रहा है तो खुद के द्वारा अपडेट करना है, क्वेश्चन बैंक को पढ़ना है और अपडेट करना है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर जेएसएससी 2017 में पूछ सकती है तो आने वाले 2023 या 24 का जो भी एग्जाम है उसमें भी ये तथ्य है या हरित कीवानी या बीरू कैसलपुर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप क्वेश्चन बैंक रिविजन किए होंगे तो आप इसको बना पाइएगा, और नहीं तो आप देखिएगा ज़्यादातर रेगुलर बुक में ये चीज़ दिया हुआ नहीं रहता है। तो रेगुलर बुक में जो रहता है वो तो सबको ही पढ़ता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं तो आपका ये जो 2 फैक्ट है वो हो सकता है छूट जाए। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे प्रयास किए हैं कि जो भी माइंड मैप है ना, आपको जो फैक्ट है उसके साथ में जो सवाल आया है या जो भी तथ्य पूछे गए हैं उसके बगल में यहाँ पे PYQ लिखा गया है। इसीलिए आप देखे होंगे थंबनेल में हम लोग लिखे हैं रिवीजन थ्रू माइंड मैप प्लस PYQ, यानी कि माइंड मैप तो के साथ रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको भी ध्यान में रखेंगे, ताकि आप जब भी रिवीजन करें आपके दिमाग में आ जाए हाँ ये तथ्य पीछे जो भी जेएसएससी का एग्जाम हुआ था वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो आगे भी आने का इसका चांसेस बढ़ जाता है। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज का जो टॉपिक है उसको शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड राज्य का इतिहास, और इसमें भी पहला हम लोग का जो चैप्टर होने वाला है वो भौगोलिक स्थिति और नामकरण। तो आज हम लोग नामकरण के बारे में देख लेते हैं, भौगोलिक स्थिति कभी हम लोग बाद में भी उसको हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए उसको जब भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ भौगोलिक स्थिति हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप झारखंड के इतिहास का नामकरण के संदर्भ में देखिएगा तो यहाँ पे नामकरण को हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट के देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी किसी के बारे में जानना है ना तो सबसे पहले देखिए इसका प्राचीनतम उल्लेख कहाँ हुआ है। तो हम लोग देखते हैं झारखंड का उल्लेख कहाँ है, तो सबसे पहले ढूंढते हैं साहित्यिक उल्लेख, प्राचीनतम जो भी साहित्य है उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं। फिर जो भी विदेशी यात्री यहाँ पे आए हैं उसके जो यात्रा वृत्तांत है उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या वे लोग झारखंड का उल्लेख किए हैं, अगर किए हैं तो किस नाम से। फिर है मध्यकाल में हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत मुगल काल का जो भी इतिहास लेखन हुआ है उसमें झारखंड का नाम है या नहीं। तीसरा हम लोग चौथा कैटेगरी में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड का तो अलग अलग समय में अलग अलग नामों में उल्लेख हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ झारखंड के कई ऐसे जिले हैं जैसे रांची पलामू, जिसमें 3 जिला अभी पूछा भी गया था, देवघर सिमडेगा और गिरिडीह, इसका प्राचीनतम नाम क्या है और इनका क्या सोर्स रहा है। तो अगर सोर्स मिलेगा तो वो, नहीं तो कम से कम जो प्राचीनतम नाम है वो तो हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे ही करेंगे। तो चलिए ये 4 बिंदु पे आज हम लोग डिटेल यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दूसरा चीज़ आपको बताया गया है या इस वीडियो से पता ही चल गया होगा थंबनेल से कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप लोग जो है वो हिस्ट्री वगैरह सब पढ़े हुए हैं, भारत का इतिहास भी पढ़े हुए हैं और झारखंड का इतिहास भी पढ़े हैं। हम थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, पावर पॉइंट के साथ पूरा डिटेल में आपको पूरा झारखंड का इतिहास देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे प्रथम उल्लेख हम देखते हैं साहित्यिक उल्लेख कहाँ हुआ है। तो कभी भी अगर हमको ढूंढना है कि हम लोग साहित्य में झारखंड का कहाँ उल्लेख हुआ है तो सबसे प्राचीनतम साहित्य में ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या हमको आज से 3500 साल पहले या 4000 साल पहले जो साहित्य मिलता है उसका में झारखंड का उल्लेख हुआ है या नहीं। तो आपको पता होगा 1000 से लेके आपका 1500 BC यानी कि अभी से मानिए चलिए कि लगभग 3500 साल पहले आपका ऋग्वेद का रचना हो चुका था। और इस ऋग्वेद में अगर हम झारखंड का उल्लेख ढूंढें तो झारखंड के नाम से किसी भी या झारखंड का दूसरे नाम से भी कहीं पे भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्ववेद में भी स्पष्ट रूप से झारखंड का कहीं उल्लेख नहीं मिलता था। लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद में जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है उस क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड आता है। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे वेद में भारत का तो उल्लेख था लेकिन झारखंड का उल्लेख नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं भारत के अंतर्गत ही तो झारखंड आता है। तो ऐसा कौन सा नाम था जिसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है? तो हम लोग एक नाम देखते हैं जो कि आपका बीपी केसरी के किताब में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था, छोटा नागपुर का इतिहास, कुछ सूत्र कुछ संदर्भ। यहाँ पे आपको देखिएगा तो वहाँ देखने को मिलता है कि ऋग्वेद काल में एक क्षेत्र का नाम का उल्लेख होता है कीकट। और ये जो कीकट है अगर आप देखिएगा तो इस मैप में हम लोग मान के चल सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप मैप देखिएगा तो यहाँ पे मैप में हम मान के चल सकते हैं कि ये जो एरिया है वो कीकट प्रदेश के अंतर्गत आता है। अब ये तो केवल झारखंड का एरिया नहीं आ रहा है, इसमें बंगाल का भी एरिया आ रहा है, उड़ीसा का भी आ रहा है, छत्तीसगढ़, एमपी का, यूपी का कुछ हिस्सा आ रहा है। यानी कीकट जो था वो बड़ा प्रदेश था। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये झारखंड के लिए उल्लेख था, हाँ ये कहेंगे कि इसी क्षेत्र के अंतर्गत झारखंड भी आता था। उम्मीद करते हैं ये लाइन आपको समझ में आया होगा, नहीं तो रिवाइंड करके आप सुन लीजिए। तो इस तरह से अगर पूछा जाए क्या ऋग्वेद काल में झारखंड का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, तो नहीं। लेकिन झारखंड जो है वो कीकट प्रदेश जिसका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है इसी के अंतर्गत आता था। उम्मीद करते हैं ये फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थर्ववेद में। क्या अर्थर्ववेद में झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पे भी सीधे सीधे झारखंड का उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली झारखंड का जो प्रभाव है या झारखंड जिन नामों का उल्लेख हुआ है उन नामों में से किसी किसी नाम के अंतर्गत झारखंड का कुछ कुछ हिस्सा आता है। तो कहा जाता है ये जो कीकट प्रदेश था अर्थर्ववेद काल आते आते चार भागों में बढ़ जाता है, मगध, अंग, पुंड्र और कलिंग। इस चारों को सम्मिलित रूप से हम लोग व्रात्य प्रदेश कहते थे और यहाँ के लोगों को व्रात्य कहा जाता था, जिसको हम लोग जनजाति के तौर पे जान सकते थे। इसी को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे आए थे आर्य, और जब यहाँ पे आर्य आए और जनजाति को शिक्षित किए और यहाँ पे बस गए तो यही आर्य कहा जाता है, आगे सदान का रूप ले लेंगे। इसीलिए कहते हैं कि जो सदान है वो जनजातियों के साथ लंबे समय से झारखंड में रहते आए हैं और आर्य का संस्कृति सदानों जनजातियों में और जनजातियों का संस्कृति आर्य यानी कि सदान में आपको देखने को मिलेगा। और इस तरह से झारखंड में एक मिली जुली संस्कृति आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस तरह से अर्थर्ववेद में मगध, अंग, पुंड्र और कलिंग आता था। अंग के अंतर्गत झारखंड का एक भाग जो है वो आता है जिसका नाम है संथाल परगना। दूसरा है पुंड्र के अंतर्गत छोटा नागपुर आता है। तो इस तरह से अर्थर्ववेद में सीधे सीधे झारखंड का उल्लेख नहीं है, लेकिन झारखंड का जो दो हिस्सा है वो इस मगध, अंग और पुंड्र और कलिंग के अंतर्गत आता था। संथाल परगना अंग के अंतर्गत आता था, छोटा नागपुर पुंड्र के अंतर्गत आता था। तो ऐसा कौन सा साहित्य है जिसमें पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? तो आपको देखने को मिलेगा झारखंड का इतिहास जब हम भारत का इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो जैसे हम लोग पढ़े थे चारों वेद में तो स्पष्ट रूप से झारखंड का नहीं मिलता है, लेकिन वेद का जो कर्मकांडीय व्याख्या है वो ब्राह्मण में किया गया है। और इस तरह से ऋग्वेद का दो ब्राह्मण आपको देखने को मिलेगा। एक ब्राह्मण है जो कि ऐतरेय ब्राह्मण है, देखिए यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा है कौशतिकी ब्राह्मण, ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। तो इसी ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का प्रथम उल्लेख होता है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से हुआ है? तो पुंड्र के नाम से हुआ है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं और भी कुछ साहित्य है जिसमें झारखंड का नाम हुआ है। हाँ, तो आप महाभारत में देखिएगा तो इसमें कुल 18 पर्व हैं, जिसमें एक पर्व है दिग्विजय पर्व। इसमें पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है। फिर कौटिल्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, एक तरह से कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिसको विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वो एक किताब लिखे थे जिसका नाम था अर्थशास्त्र। नाम में तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया था और इसमें दिया गया है कुकुर देश के रूप में झारखंड का उल्लेख हुआ है। अब देखिए ये जो कुकुर देश है ये आपको बीबी बीबी रत्ना में लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। बीबी रत्ना में 2-3 जगह लिखा हुआ है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुर देश के नाम से उल्लेख किया गया है। आगे हम गुप्त काल में आ जाए तो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, तो इस तरह से ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब क्या होता है, प्रशंसा पत्र होता है। जैसे कि आप कोई है ना एग्जाम पास करते हैं तो आपको कुछ प्रशस्ति पत्र होता है, तो समुद्रगुप्त का प्रशंसा में लिखा गया था। प्रयाग में एक शिलालेख है उसमें हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, तो इसमें जो है मुरुंड देश के नाम में झारखंड का उल्लेख हुआ था। एक्चुअली समुद्रगुप्त जो है वो दक्षिण अभियान में जा रहे थे, तो इस तरह से उनका झारखंड में संपर्क हुआ था और इस तरह से मुरुंड देश के रूप में प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त इसका उल्लेख करते हैं, जो कि हरिसेन के द्वारा लिखा गया। हरिसेन इसी के दरबारी थे या एक तरह से कहिए समुद्रगुप्त के अधीन ही ये काम करते थे। आगे अगर हम पुराण में देखें तो 3 पुराण का उल्लेख होता है, इसमें झारखंड का उल्लेख किया गया है। पुराण से हमको राजनीतिक इतिहास के बारे में, राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे भागवत पुराण में आप देखिएगा तो कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता है, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से जाना जाता है और वायु पुराण में मुरंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए उम्मीद करते हैं ये सब आप पहले से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भी हम थोड़ा बहुत आपको बताने का प्रयास किए कि किस किस सोर्स में किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आप 1 से 2 मिनट में आप तुरंत रिविजन कर सकते हैं और जब रिविजन कीजिएगा तो पूरा चैप्टर ही 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। तो हम लोग देखिए प्रथम साहित्य को उल्लेख कहाँ किया गया है, ऐतरेय ब्राह्मण पुंड्र में, दिग्विजय परम में इसको पुंडरिक देश या पशुभूमि के नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुर देश, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश, भागवत पुराण में कीकट प्रदेश, विष्णु पुराण में मुंड और वायु पुराण में मुरंड। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, विदेशी यात्री जो यहाँ पे आए थे उनका जो वर्णन है उसमें हम देखते हैं कि झारखंड के किस किस क्षेत्र का किस किस नाम से उल्लेख हुआ है। तो टॉलमी जो है वो झारखंड को मुंडल के नाम से यहाँ पे उल्लेख करते हैं और दूसरा जो है खरसावां, सरायकेला खरसावां आपको नाम आया होगा, तो इस तरह से जो खरसावां है उसको करतासीना के नाम से इसका उल्लेख हुआ है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो ठीक है, पूछा गया है खरसावां का प्राचीनतम नाम क्या है, करतासीना। तो आपको याद रखना है कि करतासीना जो है वो टॉलमी के द्वारा ही ये नाम का उल्लेख किया गया था, पूरे झारखंड के लिए नहीं बल्कि खरसावां के लिए। तो नेक्स्ट टाइम में हो सकता है पूछा जाएगा करतासीना जो है वो टॉलमी के द्वारा किया गया था या फाह्यान के द्वारा या हुएन त्सांग, तो आपका आंसर होना चाहिए टॉलमी। आगे देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, जो कि गुप्त काल से संबंधित है, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फाह्यान जो आते हैं वो झारखंड को कुकुटलाड के नाम से उल्लेख किए हैं। ह्वेन त्सांग जो कि हर्षवर्धन के काल में आएंगे, ये जो है कीलोनासो फालाना या कर्ण सुवन के नाम से झारखंड का उल्लेख करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें विदेशी यात्री जो है झारखंड को अलग अलग नामों से यहाँ पे उल्लेख किए हैं। अब हम लोग देखते हैं मध्यकालीन फारसी इतिहास में, तो हम लोग मध्यकाल देखने से पहले यानी कि 1206 से आपका हम लोग 1500 एक तरह से कहिए 26 तक देखते हैं, फिर 1526 से लेके आपका लगभग 1765 तक के बीच का समय में हम लोग देखते हैं झारखंड को किस किस नाम से जाना जाता था। तो पूर्व मध्यकाल जो कि 712 से लेके 1206 तक का काल हम लोग रखते हैं, उसमें ज़्यादातर कलिंग देश के नाम से ही झारखंड को उल्लेख किया गया, यानी कि आपको पता है कि उड़ीसा में कलिंग था, तो इस तरह से वो उड़ीसा के अंतर्गत ही झारखंड को रखा जाता होगा। तो इस तरह से है झारखंड शब्द जो है वो जो है अलग अलग साहित्य में उल्लेख किया गया है। प्रथम साहित्य उल्लेख जो हमको मिलता है वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है वहाँ पे झारखंड का प्रथम उल्लेख हुआ था। इसमें आप अगर डिटेल देखिएगा तो कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द लीजेंड राजा जयसिंह देव ऑफ ओडिशा हैड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू द रूलर ऑफ झारखंड इन 13th century, यानी कि उड़ीसा का जो राजा होगा राजा जयसिंह देव वो अपने आप को झारखंड का शासक यहाँ पे डिक्लेयर करता है 13वीं शताब्दी में जो ताम्रपत्र मिला था उसमें, और उसी में झारखंड वर्ड जो है हमको पहली बार मिलता है। देखिए झारखंड राज्य का उल्लेख अलग अलग नामों में अभी तक बहुत जगह मिला, लेकिन झारखंड को झारखंड के नाम में पहली बार 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में ही उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आपका बन सकता है। उसके बाद तारीख बंगला, तारीख फिरोज शाही, सियार उल मुतकरीम सब में आपका झारखंड का ही उल्लेख हुआ है। कबीर और मलिक मोहम्मद का जो कविता है उसमें भी आपको झारखंड को झारखंड के रूप में ही उल्लेख किया गया है। जैसे आप देखिएगा कबीर एक है ना कविता लिखे थे, कबीर कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। तो झारखंड शब्द जो है कबीर के दोहे में भी देखने को मिलता है और मलिक मोहम्मद जैसी का पद्मावत में भी देखने को मिलता है। जैसे पद्मावती आप मूवी देखे होंगे तो वो जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा ही लिखा गया था। तो दक्षिण दहीने रहे तिलंगा, उत्तर मांझ हुए करह कटंगा, मांझ रतनपुर सोहे द्वारा, झारखंड भी बाय पहारा। तो इस तरह से यहाँ पे भी इनके भी कविता में झारखंड का उल्लेख हुआ है। तो आपको बस एक लाइन में याद रखना है कि कबीर और मलिक मोहम्मद जैसी की कविता में झारखंड का उल्लेख झारखंड शब्द से हुआ है। आगे हम देखते हैं मुगल काल में जो है उसका उल्लेख हुआ है कि नहीं। तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, उसमें अकबरनामा में कोकरा करके उल्लेख किया गया है, फिर खंगरा करके आपका आईने अकबरी में उल्लेख किया है। तुजुक-ए-जहांगीर जो कि जहांगीर का आत्मकथा था, यानी स्वयं जहांगीर के द्वारा लिखा गया था, वहां खोखरा के नाम से है। माथिर-उल-उमरा जो है वो किताब जो है उसमें कोकरा करके, यहाँ पे देखिए हा करके लिखा गया है। ये सब सारा चीज आपको बीबी रत्ना में देखने को मिल जाएगा। तो वो आपको यहाँ पे उल्लेख किया गया है माथिर-उल-उमरा कोकरा। आगे हम देखते थे बहारिस्तान ए गैबो, ये है कोकरा देश। और देखिए ये भी बीबी रत्ना में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है, यानी कि आपको ऑथेंटिक बुक को ही आपको फॉलो करना है, ये चीज आपको दिमाग में रख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं लास्ट में अलग अलग जो जिला है, क्या उसका नाम भी प्राचीन काल में कुछ अलग अलग था। तो हाँ, जैसे कि झारखंड को भी कुकरा कहा जाता था, रांची को भी कुकरा के नाम से बहुत बार उल्लेख किया गया है। यहाँ पे कर्कखंड और अर्कखंड के रूप में, देखिए महाभारत में अर्कखंड के रूप में भी उल्लेख किया गया है। तो कर्कखंड अर्कखंड देखिए कहा जाता है ये नागों का भूमि था, और इस तरह से पुंडरीक नाग का भी यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में उल्लेख करेंगे। मध्यकाल आते आते रांची का नाम में कहीं कोकरा दिखता है, खंकरा दिखता है, खोखरा दिखता है, कुकरा देश दिखता है, इस तरह से लिखा हुआ है। 1865 से 1834 के बीच आइएगा तो यहाँ पे मराठों का आगमन होता है, और हम जानते हैं महाराष्ट्र में एक नागपुर है, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ एक नागपुर मिला, तो छोटा नागपुर यहाँ पे रख दिया गया नाम। तो इस तरह से ये है। 1834 में जब यहाँ पे अंग्रेज आए थे तो हो विद्रोह हुआ था 1831 में, आपको आइडिया होगा। और उस हो विद्रोह के बाद यहाँ पे एक संस्था बनाया गया, यह एक क्षेत्र को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के तौर पर यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे उसको यहाँ पे बनाया गया, और इसका जो एजेंट थे वो विल्किंसन थे, जिसको कुशिनपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1834 में। आगे नेक्स्ट अगर हम जिला क्या यहाँ पे देखें तो एक है पलामू, पलामू को पलाउन, पालून और पलाउन के नाम से जाना जाता था। सिम्बुम में है, इसका प्राचीनतम नाम देखिएगा तो कांगजोल और नरीखंड के नाम से जाना जाता था, और ये नरीखंड जो है आपको पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये चीज को आप याद रखिएगा। सिम्बुम का और भी ह्युएन त्सांग उल्लेख करता है, वो अलग नाम से है, इसका नाम है किनचिंकाइलू। आधुनिक काल में इसको दामिने को, आपको पता होगा संथाल विद्रोह जो होता है, ये दामिने को है ना, उन्हीं को बसाया गया था संथालों को, और सिद्धू कानू के द्वारा संथाल विद्रोह भी किया गया था। तिलकामांझी भी संथाली थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो ये दामिनों को जो है जब हम लोग आधुनिक झारखंड पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में ज्यादातर चर्चाएंगे। ये एक्चुअली अंग्रेजों के द्वारा संथालों को बसाया गया था दामिनी को में। फिर है 3 जिला जो है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तीनों पूछा गया है। देवघर का उल्लेख प्राचीन काल में हरित किवानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा सिमडेगा है, उसको वीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था, और गिरिडीह को कीकट प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से हम लोग जो है वो नामकरण को यहाँ पे जानने का प्रयास किए कि नामकरण का जो हम लोग का इतिहास का पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन सा मुख्य बिंदु था और कैसे कैसे इसको हम लोग रिविजन करने हैं। तो इसको आप खुद से भी नोट्स जो भी आपके पास है उससे आप बना सकते हैं। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो क्वेश्चन आ चुका है उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको इंक्लूड करना है। तो अगर वो तथ्य जो आपसे छूट जा रहा है तो आप यहाँ से देख के उसको ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है उसको यहाँ पे बना लेते हैं जो कि आपका पूछा गया है। तो आपको पता हो गया होगा वीरू कैसलपुर किसका नाम था, सिमडेगा का। हरित किवाना किसका नाम था, देवघर का। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है तो ये तो कोई भी जानेगा, जंगल का भूमि। ये सभी प्रश्न आता है जो कि एसआई में ही आया हुआ है। फिर मुगल काल के दौरान है ना किस नाम से जाना जाता था, तो कुकरा। तो इस तरह से है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश जो है ये एक थोड़ा सा अजीबोगरीब है। कीकट प्रदेश के अंतर्गत झारखंड संपूर्ण आता था और झारखंड के अलावा भी दूसरे क्षेत्र आते थे, लेकिन यहाँ पे आंसर यहाँ पे गुमला, गिरिडीह, चतरा और सिमडेगा में केवल गिरिडीह दिया है। अब इनका क्या सोच रहा है हमको आइडिया नहीं है, लेकिन बीपी केसरी का जो किताब दिया गया है उसमें कहा गया है कि कीकट प्रदेश के अंतर्गत झारखंड और इसके अलावा भी और दूसरे क्षेत्र आते थे, जैसे मानिए चलिए बिहार होता होगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल का कुछ एरिया यहाँ पे आता होगा। तो इसका रेफरेंस अब वही लोग जाने, हमको यहाँ पे जो रेफरेंस है उसके अंतर्गत हम मान के चलते हैं कीकट प्रदेश में केवल झारखंड का उल्लेख हुआ है। आगे देखते हैं संथाल परगना को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है, लास्ट में ही अभी बताया गया नरीखंड। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बैंक को भी देखें। उम्मीद करते हैं अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये बेहतर लग रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।